एक गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। किसान पूरा दिन खेत में काम करने के बाद घर में पैसा लाता था, लेकिन उस किसान की बीवी का मन कभी नहीं भरता था। और इतना ही नहीं, किसान जो भी पैसा कमा कर लाता था, उसकी बीवी उसमें से आधा पैसा छुपा कर रख लेती थी और फिर किसान को झूठ बोलती थी कि तुम पैसे इतने नहीं लेकर आए हो, और उस पे जुर्म करती थी। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, कहाँ हो? हाँ, क्या हुआ जी? ये चिल्ला चिल्ला के घर को क्यों सर पे उठा रखा है, बोलो जी। नहीं, मतलब थक के आया हूँ, एक ग्लास नींबू पानी मिल जाता तो। हाँ हाँ, मैं तो इसीलिए ही हूँ। हाँ ठीक है, चलो जाओ, हाथ पैर धो लो, फिर मैं देती हूँ। ये मैं पैसा तकिए के नीचे रखा हूँ, देख लेना तुम। आजकल बाजार में 200 रुपए में क्या होता है, बोलो? 200 रुपया? लेकिन मैं तो 350 रुपए लाया था। 350? ये तो साफ साफ 200 रुपए। मैं क्या झूठ बोलूँगी? हाँ नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ हाँ हाँ, ये 150 रुपए में पूरा घर चलाना होगा, और ये 50 रुपए मुझे बचाना होगा, समझ गए आप? बेटी बेटी, घर पे कोई है? बेटा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, बहुत बड़ी कृपा होगी। अरे ये अचानक कौन आ गए घर में, क्या हुआ, बताओ क्या चाहिए तुमको? बेटा, कुछ पैसे चाहिए थे मुझे, दे सकती हो तुम क्या? ये 2 पैसे में क्या होता है, मेरे पास 2 पैसे कहाँ है? अगर तुम्हारे पास कुछ 2 पैसे हैं, तो मुझे देकर जाओ। ये सुबह सुबह आके दिमाग खराब मत करो, ठीक है? यहाँ से जाओ जाओ जाओ। मैंने तो कुछ तुमसे पैसे मांगे थे, तुम इतना सुना रही हो बेटी। मैं तुमसे पैसे लेकर कुछ 2 वक्त का खाना खा लेती, इस बुढ़िया का कौन सहारा है बेटा? इस बुढ़िया को तुमने मना कर दिया, और तुम मुझसे झूठ भी बोल रही हो बेटी। सुनो सुनो, तुमको 1 पैसे भी नहीं मिलेगा मेरे पास से। जाओ जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती। अरे तुम तो मेरी बहुत बेइज्जती कर रही हो, मैं तुम्हें आज से श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारी पूंछ निकल जाएगी, और जैसे जैसे तुम झूठ बोलती जाओगी, वो पूंछ लंबी होती जाएगी, देख लेना तुम, यही मेरा श्राप है। ये सब क्या होता है, क्या कोई श्राप नहीं होता है? ये सब मानती नहीं हूँ मैं, श्राप, और वो भी मुझे। ये सब मानती नहीं हूँ मैं, जाओ तुम यहाँ से, मुझे और भी काम है, सुबह सुबह और दिमाग खराब मत करो। देखो, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरी बात का विश्वास करो, ये मान लो तुम। ठीक है ठीक है, दिखा दो फिर मुझे। दिखा दो फिर मुझे, मेरी पूंछ निकलेगी। हाँ मेरी पूंछ निकलेगी, दिखा दो मुझे। हाँ दिखाओ, जाओ यहाँ से। भाग्यवान, ऐसा लग रहा था कि खाने में नमक कम था। ओ, नमक कम लग रहा था? क्या घर में नमक है जो मैं नमक डालूंगी खाने में? नमक लाओगे तो ना खाने में डालूंगी नमक। हाँ नहीं नहीं, मैं कहा तुम्हें तुम्हारी गलती बता रहा हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हंसो मत हंसो मत, कल चावल भी नहीं है, खाना भी नहीं बनेगा। कल चावल भी नहीं है, दाल भी नहीं है, खाना भी नहीं बनेगा। तो ये क्या, तो खाएंगे क्या, चावल नहीं है तो? हाँ थोड़ा सा भी नहीं है। सुनो, ज्यादा बातें मत करो, चुपचाप सो जाओ, और मुझे भी सोने दो, और मुझे भी नींद आ रही है, पूरा दिन काम करती हूँ, सो जाओ अभी तो। पता नहीं थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जा मुझे सो जाने दो, अभी सो जाती हूँ मैं, सो जाओ तुम।
रतन की माँ, क्यों सुबह सुबह ऐसे आए हो? क्या बात है? तुम्हें कुछ दिखाने आई हूँ, ये देखो। इसके पति ने इसको शहर से लाके दिया है सिर्फ इसके लिए। अरे बाप रे बाप, मर जाऊं मैं, कितना प्यार है। अरे पागल, प्यार व्यार कुछ नहीं, मैंने बहुत जिद की थी ना, इसलिए लेके आए हैं, और कुछ नहीं। अच्छा ही हुआ, तुम्हारा तो नसीब कितना अच्छा है, रतन के पापा तुम्हारे लिए कितना कुछ लाके देते हैं, और मेरे पति मेरे लिए कुछ भी नहीं लाके देते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं लाके देते हैं। अरे अरे, तुम्हें ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कौन सा? अरे ये तो मुझे फुंसी हुई है। ओहो, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम क्या बोल रही थी अभी? तुम्हारा पति? हाँ, मेरे पति मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आते हैं, कुछ भी नहीं। देखो ना, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, ये पूंछ कहाँ से आया? अरे बाप रे, देखो देखो, पूंछ आ गई। अरे ये फुंसी नहीं है, ये तो पूंछ है। पूंछ कहाँ है? पूंछ मेरे तो कोई पूंछ नहीं है, कहाँ है पूंछ? अरे देख, वो तो बढ़ती जा रही है, देखो तो। मैं तो सबको बोलूंगी तुम्हारे पूंछ हो गई है, मैं सबको बताऊंगी। अरे कोई है क्या, यहाँ आ जाओ, देखो पूंछ निकला है उसको। अरे पूंछ निकला, कितना बड़ा पूंछ है। अरे बाप रे बाप, इसकी तो पूंछ निकल आई। कहाँ है पूंछ? मेरे कोई पूंछ नहीं है, कहाँ है पूंछ? अरे भाई देख, पूंछ वाली औरत। किसान की बीवी की पूंछ, किसान की बीवी बांदर। रुक, दिखाती हूँ मैं, रुक। किसान की बीवी बांदर, किसान की बीवी की पूंछ निकल आई है। अरे, मुझे तो मन कर रहा है मुझे पेड़ पे चढ़ने का, क्या करूँ मैं अभी? चढ़ जाती हूँ मैं अभी। अरे भाई, देख ना, वो औरत बंदर पेड़ पे चढ़ गई। अरे देख कैसे चढ़ी, देख, अरे उधर देख। अरे वो देख, वो बंदर की तरह झूल भी रही है। बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन मेरी पत्नी ने तो बताया था कि घर में चावल नहीं है, पता नहीं क्या होगा। ये क्या बात है, मेरे घर के सामने इतनी भीड़। अरे ये तो मेरी पत्नी है। अरे भाग्यवान, तुम ऐसे पेड़ पे चढ़ के क्या कर रही हो? अरे नीचे उतर जाओ। अरे तुम्हारी पत्नी अब पत्नी नहीं रही, बंदर हो चुकी है। मुझे कैसे पता रहेगा? देखो, अरे क्या हो गया, सब सर्वनाश हो गया। ओ भाग्यवान, तुम्हें क्या हो गया भाग्यवान? नीचे उतर आओ। मैं नीचे नहीं उतर सकती, मुझे पेड़ पे ही रहने का मन है, मैं नीचे नहीं आती हूँ। अरे लेकिन बताओ तो, तुम ऐसे कैसे बन गई? नहीं जानती। देखो भाग्यवान, अगर तुम मुझे सच सच नहीं बताओगी तो इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ, अब जल्दी से बता दो क्या हुआ है, बोलो। अच्छा ये बात है, अब तो वो बुढ़िया ही तुम्हें ठीक कर पाएगी। चलो मेरे साथ। ठीक है, मैं पेड़ की टहनी पकड़ के आती हूँ, मैं जल्दी पहुँच जाऊंगी। बेटा कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? आपने श्राप देकर मेरी पत्नी को बंदर बना दिया है। हाँ, वो रही मुट्ठी। हाँ,
हाँ, मुझे इसे देखकर याद आ गया, याद आ गया। तुम्हारी पत्नी ने मुझसे बहुत झूठ बोला और मुझे अपमानित भी किया, इसीलिए मैंने इसको श्राप दे दिया था। मेरी गलती हो गई बूढ़ी माँ, और नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए, और नहीं होगा। मैं तुम्हें ठीक तो कर दूंगी, लेकिन एक बात बताओ कि तुम झूठ बोलोगी? ना ना ना, ना झूठ नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। ना ना ना, मुझे तो तुम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, समझी? दादी माँ, आप मेरे बात पर विश्वास करके इसको ठीक कर दीजिए, अब ये कभी झूठ नहीं बोलेगी। ठीक है, लेकिन तुम कभी झूठ तो नहीं बोलोगी ना? मेरी गलती हो गई, मैं और झूठ नहीं बोलूंगी। तुम श्राप से मुक्त हो जाओ। हाँ जी, देखिए, मुझे देखिए, मैं फिर से पहले की तरह हो गई हूँ, देखिए तो सही। अब याद रखना, अगर तुमने जिंदगी में झूठ बोला तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ा श्राप दे दूंगी, मेरी बात हमेशा याद रखना। ना 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 ना, ना। और झूठ नहीं, अभी अभी सिर्फ सच बात बोलूंगी। धन्यवाद दादी माँ, आपने बहुत बड़ी समस्या से हमें बचाया, धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी, सुनो, घर पे चलो, घर पे चावल है और दाल है, मैं तुम्हें दाल चावल खिलाऊंगी, चलो। चलो चलो चलो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, चलो जल्दी जल्दी चलो।